really think you should. सो हेलो भाई, कैसे हो सारे? उम्मीद आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एलर्ट मोको का स्किल, एलर्ट मोको कैसे दिखता है और एलर्ट मोको कब आपको देखने को मिलेगा और कैसे आपको ये मिलेगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भाई लोग देख रहे हो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको बेल आइकन मिलेगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर लेना। तो कुछ हफ्ते पहले, लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एलर्ट मोको आने वाला है। इसका फेस वगैरह मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया था और स्किल के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि ये मोको के साथ ही वर्क करेगा, उसका जो टाइमर है उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, हालांकि उतना डिटेल्स मैं आपको दे नहीं पाया था, लेकिन जितना भी बता पाया था तो भाई लगभग सब कुछ सही निकला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एलर्ट मोको कुछ आपको ऐसा दिखेगा। मोको और एलर्ट मोको लगभग सेम ही दिख रहा है भाई, उतना कुछ फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद आपको पता होगा, अभी शायद से बर्मुडा में ही वर्क कर रहा है, किसी और मैप में वर्क नहीं कर रहा। तो हम लोग बर्मुडा में जैसे ही पोस्टर्स के पास जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक अजीब सा साउंड आ रहा है और पोस्टर्स में हेलो वर्ल्ड करके लिख के आ रहा है। आपको भी पता होगा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो एक मोको का साइन है। साइन मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये संकेत है कि भाई मैं आ रहा हूँ। कब आएगा ये तो भाई मुझे अभी नहीं पता, लेकिन लगभग कुछ महीने में, मतलब एक महीने के अंदर ही शायद से आ सकते हैं। इस महीने के एंड तक आपको शायद से एलर्ट मोको देखने को मिल सकता है। उसका एक इवेंट चलेगा, ठीक है, इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसका एक इवेंट चलेगा, जैसा इवेंट अभी हाल ही में मैकलेन का गया ना, जहाँ पर आपको जो गाड़ी को भगाना पड़ता था, तो वैसा एक इवेंट रहेगा, लेकिन वो इवेंट एलर्ट मोको का होगा। बस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैकलेन के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ एलर्ट मोको का स्किल क्या है। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले एडवांस अपडेट आया था, तो वहाँ पर हमें एलर्ट मोको दिया नहीं गया था, फर्स्ट टाइम तो दिया नहीं गया था। आपको भी बताया कि मेन कैरेक्टर के अंदर ही एलर्ट वर्जन का जो स्किल होता है वो उसके अंदर ही होता है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे तो हमें नहीं मिला, तो हमें मेल पे दिया गया एज ए मिस्ट्रियस कैरेक्टर। उसका नाम वगैरह कुछ ऐड नहीं किया गया था। और कैरेक्टर्स का तो एक लोगो होता है ना, मतलब सिंबल जैसा जो होता है, तो भाई वो भी उन लोगों ने एक ब्लैक कलर की पट्टी देखे उसको भी ढक दिया था, ठीक है, ताकि हम लोग उसका पता ना लगा सके या फिर आप लोगों को दिखा ना सके कि एलर्ट मोको कैसा दिखता है। लेकिन हमें तो भाई पहले से ही पता था कि एलर्ट मोको ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो स्किल का नाम है वो इनिग्मस आई है। इसका मतलब ही होता है भाई पहली या फिर मिस्ट्रेस, ऐसा ही कुछ जहाँ तक मुझे पता चला। तो इसका जो स्किल है, एक लेवल का अगर आपके पास एलर्ट मोको है तो ऐसे वर्क करेगा कि 2 सेकंड्स के लिए आपका टाइमर बढ़ा देगा मोको का। कब बढ़ाएगा? जब मान लो आप मोको यूज़ करके किसी को मारते हो, तो वो बंदा अगर खड़ा रहता है, ठीक है, तो एलर्ट मोको वर्क नहीं करेगा। तो वो बंदा जैसे ही मूव करेगा, जो कि ज़्यादातर बंदे ही करेंगे भाई, जिसको आप मारोगे तो वो इधर उधर तो जाएगा ही, तो जब वो ऐसा करेगा तो उसका जो मार्क का टाइम है वो 2 सेकंड्स बढ़ जाएगा, अगर आपके पास मोको एक लेवल का है तो। आपको भी पता है कि अभी मोको का जितना लेवल रहेगा एलर्ट मोको का भी उतना लेवल रहेगा। अभी ऐसा कर दिया गया, पहले अलग था, पहले 2 कैरेक्टर अलग अलग था, मतलब एलर्ट वर्जन का कैरेक्टर अलग था, अभी तो एक साथ ही ब्लेंड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मैक्स लेवल का मोको है तो एलर्ट मोको जब आप अनलॉक करोगे ना, तो आपका जो एलर्ट मोको है वो भी ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल का हो जाएगा। तो मैक्स लेवल का इसका जो स्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो टाइमर जो है वो बढ़ के हो जाएगा 6.5 सेकंड्स। तो मोको जो है 5 सेकंड्स के लिए वर्क करता है, मतलब मैक्स लेवल पे, और जैसे ही एलर्ट मोको उसके साथ जुड़ जाएगा तो बंदा जैसे ही मूव करेगा तो 5 + 6.5 मतलब 11.5 सेकंड्स आपका जो मार्क है एलर्ट मोको का, मतलब मोको का जो भी बोल रहे हो आप, तो वो बढ़ जाएगा, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो लोग मोको यूज़ करते हैं। तो सब कुछ अगर सही रहते हैं तो इसका स्किल ऐसा ही होगा, मतलब 6.5 सेकंड्स ही रहेगा। इसमें हो सकता है कि बाद में एडजस्टमेंट हो, जैसे कि मान लो इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दिया जाए 6.5 से 4.5 या फिर ऐसा ही कुछ, या फिर बढ़ा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ डिटेल्स दे दिया एलर्ट मोको के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।